केंद्रीय स्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन मतगणना में ड्यूटी पर लगाए गए कार्मिकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण बुधवार से योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में 3 शिफ्टों में शुरू हुआ, जिसके संबंध में मुख्य प्रशिक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि 2 मई को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के पदों की मतगणना की जाएगी, जिसके लिए कार्मिकों को मतगणना की पूरी जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि कार्मिकों को मतगणना के दिन मतपत्रों को खोलना, निकालना तथा बंद करना एवं मतगणना करना सहित सभी जानकारी दी गई है। सभी कार्मिक सुबह 7 बजे अपने विकास खंड पर पहुंचकर मतगणना शुरू कर देंगे। उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम के पास ही मतगणना की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य प्रशिक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने कहा, जो मतदान आपके जिले में हुआ था विभिन्न विकास खंडों में, उन विकास खंड मुख्यालय पर ही ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के जितने भी उम्मीदवार थे जिनको वोट पड़ा है, विभिन्न ग्राम पंचायतों के मतदाताओं द्वारा विभिन्न बूथों पर जो मतदान किया गया है उन्हीं का मतगणना 2 मई 2021 को कराया जाना है, जिसमें आपको मतगणना कार्मिक के रूप में आपकी नियुक्ति की गई है। तो मतगणना को किस प्रकार से वहाँ संपन्न करना कराना है उससे संबंधित प्रशिक्षण मैं मनोज कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग से आप सभी को मतगणना प्रशिक्षक की भूमिका में उपलब्ध हूँ। आप सबका प्रशिक्षण मेरे द्वारा दिया जाना है। तो पहले हमारा जो प्रशिक्षण है वो भी जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, आपका आइडेंटिफिकेशन जो है और आपकी ड्यूटी कहाँ कैसे लगाई जा रही है उसके बारे में, और आपकी ड्यूटी क्या होगी, कैसे काउंटिंग करनी है आपको, मतपत्रों को खोलना, निकालना, उनकी सॉर्टिंग करना, फिर उसकी काउंटिंग करना प्रत्याशी वार, ये सारी प्रक्रिया, और जब आप कर लेंगे तो उसके बाद किस प्रकार उनका बंडल बनाना है, पैकेजिंग करना है और उसके ऊपर गणना स्लिप लगाई जानी है, यहाँ तक आपकी कार्रवाई है, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहले आते हैं, आप सबका जो ये मतगणना ड्यूटी पत्र मिला है उसमें आपका विकास खंड मुख्यालय, मुख्यालय का आशय उस प्लेस से उस विकास खंड के नियरेस्ट है, मुख्यालय के नियरेस्ट जहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है उसी स्ट्रांग रूम से सटे ही मतगणना की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर एक आरओ साहब हैं और एक उनकी टीम है सहायक की भूमिका में, एआरओ हैं। तो आरओ और एआरओ ही पूरे चुनाव पर्यंत पूरे निर्वाचन के लिए उन्हीं की सारी जिम्मेदारी होती है। तब वो भी तीसरे चरण में गणना में आपको मिलेंगे। आप जब जाएंगे वहाँ पर तो सबसे पहले आपको तय ये करना है कि आपकी जो काउंटिंग पार्टी है वो किस कक्ष के लिए जाएगी, किस कक्ष में निर्धारित की गई है या किस टेबल पर जाएगी, उसका निर्धारण होगा। तो वहाँ से आप अपना देख लेंगे। ये सूचना आपको 7 बजे मालूम होगी, 7 बजे से पहले पहले पहुँच ही जानी चाहिए। 7 बजे आपके पहुंचने का मतलब ये है कि 7 बजे पहुंचने के बजाय आप 6:30 तक अवश्य वहाँ पहुंच जाएं, और पहुंचने के बाद आप अपने संबंधित वहाँ पर जाएंगे तो आपको 7 बजे सूचना मिल जाएगी। मैं मनोज कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग से, और यहाँ प्रशिक्षक की भूमिका में मैं शुरू से पूरे चुनाव पर्यंत हमारी ड्यूटी प्रशिक्षण देने की रही है। अब ये मतगणना संबंधी प्रशिक्षण देने का कार्य आज कर रहा हूँ। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 की अंतिम प्रक्रिया मतगणना की है। उस मतगणना से रिलेटेड ही आज यहाँ गोरखपुर जनपद में आए हुए मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण उनको दिया जा रहा है कि 2 मई 2021 को जा करके उनको काउंटिंग किस किस प्रकार उन प्रक्रियाओं से इनको भिज्ञ बनाया जा रहा है, ताकि वो सकुशल सुचारू ढंग से उस दिन काउंटिंग इत्यादि का काम करा सकें। पूरे जनपद गोरखपुर के जो 20 ब्लॉक हैं, ब्लॉक पर ही मुख्यालय
बनाया गया है काउंटिंग के लिए, और एक जिले स्तर पर जिला पंचायत सदस्य के लिए एक बनाया गया है, और खास करके जो काउंटिंग प्रक्रिया है वो ब्लॉक मुख्यालयों पर ही होनी है, और वहाँ से विशिष्टियाँ और जितने भी मतों से संबंधित अभिलेख हैं वो भर करके जिला पंचायत सदस्य के लिए जिला मुख्यालय पर आएगा, और फिर यहाँ जिला मुख्यालय पर बैठे आरओ साहब उसको अंतिम रूप दे करके जिला पंचायत सदस्यों का मतगणना का परिणाम सुनिश्चित करेंगे। इनको क्या क्या जानकारी दी जा रही है? इनको ये जानकारी दी जा रही है कि जैसे वहाँ जाएंगे तो वहाँ विकासखंड मुख्यालय पर जो काउंटिंग हुई है होनी है उसमें हमारे जिला मजिस्ट्रेट साहब ने वहाँ पर एआरओ का जो है वो न्याय पंचायतवार वहाँ दे रखा है, एक कक्ष होगा जिसमें चार टेबल का एक सेट होगा, उन्हीं पर वो बूथवार ग्राम पंचायतों की बूथवार वो मतपेटियाँ आएंगी, और उन मतपेटियों को खोलकर उसमें से मतों को निकाल करके उनकी सॉर्टिंग इत्यादि की जाएगी। सॉर्टिंग इत्यादि करने के बाद फिर वो जो संबंधित फॉर्मेट हैं उसमें प्रत्याशी वार मतों का विवरण दर्ज किया जाएगा, फिर उसके आधार पर सारा परिणाम की को अंतिम रूप दे करके वहीं पर घोषणा भी होगी ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत स्तर की, और वहीं पर प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया जाएगा। जहां तक जिला पंचायत का बात की बात है तो वहां पर जिला पंचायत पर ही सर्टिफिकेट इत्यादि देने की व्यवस्था की गई है, और वहीं से घोषणा होगी कि कौन प्रत्याशी जीता, तो जिला स्तर का जो है जिला मुख्यालय से होगा, बाकी सारे स्तर का विकासखंड मुख्यालयों से काउंटिंग के उपरांत सारी चीज़ें तय कर दी जाए। प्रशिक्षण में कितने लोग भाग रहे हैं, कितने दिन तक चलेगा प्रशिक्षण? आज से शुरू हुआ है, 28, 29, 30 चलेगा, तीन शिफ्ट में, सुबह 9 बजे से 11, फिर 12 से 1, और फिर 12 से 2 बजे तक, और फिर 3 बजे से 5 बजे तक, और हर प्रशिक्षण सत्र में 250 काउंटिंग पार्टीज बुलाई गई हैं। एक पार्टी में कुल 4 सदस्य हैं, एक काउंटिंग सुपरवाइजर और प्लस 3 उनके काउंटिंग असिस्टेंट, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है।